आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अभी आपने किया है, आप बिगनर हैं या फिर आप फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को मैं बिगनर के लिए बना रहा हूं। तो अगर आप थोड़ा सा एडवांस हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपकी चीजें और क्लियर होंगी। लेकिन अगर आप ज्यादा एडवांस हैं, मतलब कि आपको बेसिक चीजें पहले से आती हैं, तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को मैं थोड़ा एक आइडिया लेके बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरा एक दोस्त था तो उसने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की। वो मुझसे पहले ट्रेडिंग करता था, लेकिन अभी के टाइम पर उसने ट्रेडिंग छोड़ दी। तो मैंने उससे पूछा कि आपने ट्रेडिंग छोड़ क्यों दी, तो उसको मार्केट में लॉस हुआ था। उसको लॉस इसीलिए हुआ था क्योंकि वो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करता था, तो वो जिस भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करता था, निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में, तो वो ये सोचता था कि अभी तक चार्ट को देख लेता था कि अभी तक ये नीचे आया है और बहुत नीचे आया है, अभी ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों ये तो ट्रेड लेने का कोई तुक नहीं है ना। काफ़ी सारे शेयर हैं जो कि नीचे आए हैं फिर वो ऊपर गए ही नहीं, तो ये देखकर ट्रेड नहीं ले सकते कि नहीं अब यहाँ पे मार्केट आ गए, अब यहाँ से ऊपर जाएगा। तो इसके लिए आपको लाइव मार्केट पर चार्ट देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जिट, एंट्री और स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुक करना रहता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ही चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको टेक्निकल एनालिसिस करने में मदद करेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कैंडलस्टिक के बारे में, क्योंकि जब आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं उस टाइम पर आप चार्ट को देख रहे हैं, और चार्ट आपका किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, तो आप उसको कैंडलस्टिक फॉर्मेट में कर लीजिए, क्योंकि अधिकतर लोग इसी का यूज करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं, आपको भी उसी का यूज करना है, क्योंकि मार्केट में और भी लोगों का कैंडल को देख के माइंड बन रहा होगा और भी लोग उसको देखकर एंट्री कर रहे होंगे, तो उसी टाइम पर आपको भी एंट्री करनी है। तो जब सब लोग एंट्री करेंगे ना, तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको भी प्रॉफिट होगा। और जब उसी तरीके का कैंडल बनेगा तो लोगों को पता चलेगा कि अब ये वाला कैंडल बना है, अब मार्केट नीचे जाएगा, तो वो लोग सेल करेंगे, तो उसी टाइम पर आप भी सेल कर सकते हैं। मतलब कि हमें एंट्री कब लेनी है और हमें कब तक होल्ड करना है और कब हमें मार्केट से एग्जिट होना है, तो ये सारी चीज़ें हमें कैंडल के थ्रू पता चलती हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें कैंडल का पैटर्न भी बनता है, तो अगर कोई मार्केट में पैटर्न बनता है तो उसके बाद भी हमें पता चलता है कि हम मार्केट में अप ट्रेंड आने वाला है, या फिर ये वाला पैटर्न बना है तो इस पैटर्न को बनने के बाद डाउन ट्रेंड भी आने वाला है। पैटर्न के बारे में तो किसी दूसरे वीडियो में जानेंगे, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कैंडल के बारे में जानेंगे। और दोस्तों सबसे पहले हम कैंडल के बारे में जान रहे हैं कि आखिर कैंडल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मान लीजिए कि ये तो कैंडल है, अब इस जगह पर कोई व्यक्ति को आप ले लीजिए, तो व्यक्ति के हाथ भी होते हैं, उसके पैर भी होता है, सर भी होता है। तो अगर किसी व्यक्ति के पैरों में दिक्कत है तो हम ये बता सकते हैं ना कि ये व्यक्ति दौड़ नहीं पाएगा, और किसी व्यक्ति के हाथों में कुछ प्रॉब्लम है तो हम ये बता सकते हैं ना कि इस व्यक्ति से बाहर नहीं उठेगा। उसी तरीके से दोस्तों एक कैंडल है, तो कैंडल अभी स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, हम ये भी कैंडल को देखकर पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कैंडल का स्ट्रक्चर क्या है, तो हम ये जानते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने ऊपर से इसको ऐड कर दिया, नीचे से कर दिया, तो ये जो इतना कैंडल है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं रियल बॉडी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद ये कैंडल है, कैंडल के कुछ ऊपर ये इसकी ये बिक निकली हुई है, इसको हम बिक भी बोलते हैं या फिर शेडो भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये इसका अपर शेडो है, तो इसको हम अपर बिक या फिर अपर शेडो बोलेंगे। इसी तरीके से ये जो नीचे है तो इसको लोअर शेडो बोलते हैं। अब दोस्तों ये कैंडल बनती कैसे है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये कैंडल, ये वाली कैंडल पता है कौन सी है, क्योंकि ये ऊपर से ओपन हो रही है और नीचे आके क्लोज हो रही है, तो इस कैंडल का कलर रेड होना चाहिए, क्योंकि जो रेड कैंडल होती है ना वो ऊपर से ओपन होती है, नीचे आके क्लोज होती है। और अगर ये नीचे से ओपन हो रही है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर ओपन हो जाता है और ये यहाँ पर क्लोज होती है, ठीक है, तो ये कैंडल होगी फिर ग्रीन, ठीक है। अब दोस्तों इतना आपने समझा, एक ग्रीन होगी। अब दोस्तों एक कैंडल ऊपर से ऊपर होती है, नीचे यहाँ पर आके क्लोज होती है, फिर ये ऊपर क्या है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक कैंडल ओपन हुई है, ठीक है, कोई भी शेयर का प्राइस मान लो कि यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर मान लीजिए कि उसका प्राइस है 500 रुपये, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ पल्स के लिए या फिर सेकंड से भी कम समय के लिए थोड़ा सा उसका प्राइस है यहाँ तक हाई पर गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये हाई है, अगर ये यहाँ पर गया है, ठीक है, मतलब कुछ देर के लिए गया है, तो इसीलिए थोड़ी सी इसकी नुक ऊपर निकली हुई है,
अब जितनी भी कैंडल बनेंगे तो किसी के ऊपर नुक निकली होगी, किसी की नहीं निकली होगी। इसी तरीके से ये यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका ये यहाँ तक कुछ समय के लिए आया हुआ है, ज़्यादा जो चला है ना तो वो समय इतना है, मतलब कि ऐसे ऐसे इसके बीच में कैंडल बना है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर गया थोड़ा सा नीचे गया है, इसीलिए इसकी ये नुक निकल गई है। अगर कोई कैंडल, देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये आपका नीचे से अगर ओपन होता है, ठीक है, तो ग्रीन कैंडल होगा। देखो ये यहाँ पर नीचे से ओपन हो रहा है, ठीक है, तो दोस्तों ये आपका ग्रीन कैंडल है और इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं। ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और वहीं पर दोस्तों आप इसको देख सकते हैं कि ये ऊपर से ओपन हो रहा है, नीचे क्लोज हो रहा है, ठीक है, तो दोस्तों इसको बियरिश कैंडल बोलते हैं। अब दोस्तों हम समझेंगे कि जब हम चार्ट को देख रहे होते हैं लाइव मार्केट में, तो हमें कुछ इस तरीके से चार्ट दिख रहा होता है, तो मार्केट जहाँ से टकरा के नीचे लौटता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर टकरा के नीचे आया, अब यहाँ पर टकरा के नीचे आया, यहाँ पर टकरा के नीचे आया, मतलब कि मार्केट इससे ऊपर जा ही नहीं पा रहा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस है, मतलब कि यहाँ पर रुकावट है, तो ये मार्केट नीचे आ रहा है। अब ये इसी तरीके से दोस्तों सपोर्ट है, जैसे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, तो जहाँ से टकरा के नीचे आता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जहाँ से टकरा के ऊपर जाता है तो उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। जैसे कि मार्केट नीचे आ रहा था लेकिन सपोर्ट मिल गया तो ऊपर चला गया, और मार्केट ऊपर जा रहा था, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, तो रुकावट ने उसको क्या है रोक लिया, तो मार्केट यहाँ से लौट आया। सबसे इम्पोर्टेंट जो कैंडल होता है, तो दोस्तों उस कैंडल का नाम है हैमर कैंडल। आप इसको देख सकती हैं, ये हथौड़ा, ठीक है, ये हथौड़ा टाइप का है, इसीलिए इसको हैमर कैंडल बोलती है। तो ये देखिए ग्रीन कैंडल है, या फिर ये रेड भी हो सकती है, तो ये ऊपर क्लोज हो रही है, नीचे से ओपन हुई है, ठीक है, और ये इसकी विक है, तो विक आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी विक होती है, मतलब कि इसका 75% आप, या फिर 70 या फिर 80% आप इतना मान के चल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसकी थोड़ी सी नुक ऊपर भी निकली होगी, या फिर नहीं भी निकली होगी, या फिर इससे भी कम निकली होगी, तो इस टाइप के कैंडल को हम हैमर कैंडल बोलते हैं। और इसका संकेत ये होता है कि अब मार्केट में अप ट्रेंड आने वाला है। और दोस्तों ये अगर यहाँ पर बनता है, मान लीजिए ये, मान लीजिए कि यहाँ पर बना, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट में क्या आएगा, वो अप ट्रेंड आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। कहाँ पर, इसके बाद जो कैंडल बनेगा, मान लीजिए कि कोई कैंडल यहाँ पर ऐसे बनता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बने, ग्रीन कैंडल बने ना, तो आपको एंट्री लेनी है, तो आप यहाँ से एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, फिर इसके बाद मार्केट कितना ऊपर जाता है आप चार्ट को देखते जाएंगे और अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो हैमर का आप एग्जांपल देख सकती हैं कि देखिए एक चार्ट है, बियरिश मार्केट चल रहा था, बियरिश ट्रेंड था, तभी देखिए यहाँ पर हैमर बना है और यहाँ पर फ्रेम मार्केट ऊपर गया है, तो एंट्री आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे कि इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना है, अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है ना तो ये एंट्री लेनी है, अगर रेड बनना है तो नहीं लेनी है, तो हैमर के बाद ही मार्केट तुरंत ऊपर जाता है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर भी ये हैमर बना है, तो यहाँ से ही मार्केट गया है, और हैमर कैंडल के बाद दोस्तों बुलिश होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया। हैमर बनने के बाद ट्रेंड चेंज होता है, बॉटम पर बनेगा तो मार्केट अप जाने के चांसेस रहते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे इन्वर्टेड हैमर। तो ये अभी जो हमने ये वाला हैमर देखा था आप देख सकते हैं, तो ये इसका उल्टा बनेगा, मतलब ये ऊपर की साइड है, इसकी 75% बिक है, तो नीचे की साइड निकली हुई है, इसकी देखिए ऊपर की साइड निकली हुई है, ठीक है, इसका थोड़ा सा शेडो नीचे भी है, तो इस तरीके से इसको बोलेंगे हम इन्वर्टेड हैमर। और ये रेड भी हो सकता है या फिर ग्रीन भी हो सकता है, दोनों कलर में से कोई एक कलर हो सकता है। तो इन्वर्टेड हैमर भी बताता है कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड इसका चेंज होने वाला है, मतलब कि अब मार्केट में बुलिश ट्रेंड आने वाला है। एग्जाम्पल आप यहाँ पर समझ सकती हैं, देखिए ये मार्केट अभी डाउन में आ रहा था, यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर बना और मार्केट यहाँ से अप गया। और अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो दोस्तों ये फिर से आ गया आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये अभी मैंने आपको समझा दिया। तो अब हम इसका एक ये वाला चार्ट भी देखते हैं, तो दोस्तों ये आप देखिए कि यहाँ पर मान लीजिए मार्केट पहले ऊपर था, ये यहाँ से आया, यहाँ से टकराया, यहाँ पर गया, फिर यहाँ से टकरा के नीचे आया, मतलब कि रेजिस्टेंस इसको मिला। लेकिन दोस्तों एक यहाँ से मार्केट ये ऊपर निकल गया, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। तो दोस्तों जब किसी भी सपोर्ट को, सॉरी रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ के जाता है,
तो इसके बाद चांसेस रहती है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो ब्रेकआउट जैसे भी आता है मार्केट है, मतलब कि रेजिस्टेंस को तोड़ता है, कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है, मतलब कि मार्केट यहाँ तक जाता है फिर यहाँ से नीचे लौटाता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। और अगर ये मार्केट में ट्रेंड बना हुआ है आपका, मतलब कि ब्रेकआउट को तोड़ने के बाद मार्केट ज़्यादातर ऊपर जाता है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, इसके बाद आप एंट्री ले लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मुनाफा बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि सपोर्ट था और ये वाला रेजिस्टेंस था, लेकिन मार्केट ने ब्रेक किया इस रेजिस्टेंस को, मतलब ये रुकावट थी तो इसको तोड़ के ऊपर गया, लेकिन इसके बाद जो मार्केट आया ना तो ये वाला सपोर्ट बन गया, मतलब कि रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और दोस्तों अब हम एक और कैंडल को समझते हैं, उसका नाम है मॉर्निंग स्टार। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये रेड कैंडल बना है, इसके बाद ये छोटा सा इस तरीके से कैंडल बनेगा, इसकी बराबर ये विक नीचे भी निकली होगी और ऊपर भी होगी, ठीक है। तो ऊपर नीचे बराबर है और ये छोटी सी कैंडल होगी, बाकी की तुलना में ये कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो इसका भी दोस्तों मतलब यही है कि अब मार्केट अप जाने वाला है, और अगर ये सपोर्ट की साइड बनता है, मतलब कि मार्केट में अगर ये नीचे की साइड बनता है तो ज़्यादातर चांसेस रहती है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर ये यहाँ पर कहीं पर बनता है। अब हम इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आप ये देखिए कि यहाँ पर ये मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। तो मॉर्निंग स्टार के बाद अब हम देखेंगे इवनिंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार जो है इसका ठीक उल्टा होता है इवनिंग स्टार, इसमें कैंडल कुछ इस तरीके से बनते हैं। अब इवनिंग स्टार का हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, तो इवनिंग स्टार यहाँ पर बना हुआ है, इसके बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड आया है, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और इवनिंग स्टार का मतलब होता है कि मार्केट डाउन जाएगा। तो दोस्तों अब हम जिस कैंडल स्टिक के बारे में जानने वाले हैं उसका नाम है शूटिंग स्टार, और शूटिंग स्टार का मतलब होता है कि मार्केट अब बियरिश है, मतलब कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा और मार्केट अब डाउन जाएगा। यह कैंडल रेजिस्टेंस एरिया में बनता है, मतलब कि मार्केट में ऊपर की साइड बनता है जहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड आता है। अब दोस्तों हम इसका एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये शूटिंग स्टार बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ के बाद फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड आया है। और दोस्तों अभी ये चीज़ें आपके माइंड में इधर उधर हो रही होंगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको फिर से रिवाइज करवाऊंगा कि आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। तो शूटिंग स्टार के बाद दोस्तों अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसका नाम है हैंगिंग मैन कैंडल। तो ये दोस्तों इस तरीके से बनती है और ये हैमर के जैसी होती है, लेकिन दोस्तों बात ये है कि इसमें शैडो नहीं होती है। अभी मैंने आपको ये बताया था ना, तो इसमें शैडो है, लेकिन दोस्तों शूटिंग स्टार में भी ये यहाँ पर शैडो हैमर से कुछ कम होती है या फिर ना के बराबर होती है, या फिर थोड़ी सी दिखती है। तो ये इसी तरीके से हैंगिंग मैन कैंडल है, तो इसमें भी जो ऊपर बिक है, ठीक है, तो वो नहीं है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, और अगर बिक होगी भी तो छोटी होगी, ये यहाँ पर लिखा है ना स्मॉल और नो अपर शैडो। तो दोस्तों इस तरीके से हैंगिंग मैन बनेगा। अब हैंगिंग मैन का हम एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हैंगिंग मैन हमें क्या संकेत देता है। तो ये बियरिश बताता है कि मार्केट यहाँ से अब डाउन जाओगा। तो देखिए यहाँ पर ये हैंगिंग मैन बना हुआ है, ठीक है, इसमें ऊपर बिक नहीं है, तो यहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है और मार्केट अब डाउन ट्रेंड में गया है। अब दोस्तों इसके बाद जो कैंडल है उसका नाम है बुलिश इंगल्फिंग। तो यहाँ पर नाम में ही बुलिश आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा कैंडल बनता है तो मार्केट में अभी अप ट्रेंड आने वाला है, मतलब कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा। तो ये मार्केट में कैसे बनेगा, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये रेड कैंडल बना हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, बियरिश कैंडल है, मतलब कि रेड कैंडल है। इसके बाद बनेगा ग्रीन कैंडल, और ग्रीन कैंडल की हाइट होगी रेड कैंडल से ज़्यादा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके बाद ये जो ओपन है ना, तो इस कैंडल से नीचे ओपन होगी, बुलिश कैंडल ओपन अट और लोअर देन प्रीवियस कैंडल, मतलब कि जो प्रीवियस कैंडल है ना, या तो इसके बराबर से होगी या फिर इसके नीचे से होगी। सेम दोस्तों ये यहाँ पर बता रहा है कि बुलिश कैंडल है ना ये वाली, तो ये इसके ऊपर ओपन होनी चाहिए, ठीक है, तो लगभग आकार ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पर बना हुआ है, देखिए इसके बराबर से ओपन हुआ है, या फिर मैंने ऐसा बोला था कि थोड़ा सा नीचे से ओपन हो, लेकिन इसकी हाइट ऊपर हो, ठीक है, तो इसको बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग। और जब ये मार्केट में बनता है तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है, मार्केट ऊपर जाता है। बुलिश इंगल्फिंग के बाद अब हम बात करेंगे
बेयर इंगल्फिंग की। और ये जो आपका बुलिश इंगल्फिंग है ना, इसका बिल्कुल उल्टा होता है बेयर इंगल्फिंग। देखिए ये यहाँ पर रेड है, ये यहाँ पर ग्रीन है, ये यहाँ पर ऊपर की साइड जाना है, ये यहाँ पर नीचे की साइड जाना है, ये ग्रीन है, ये यहाँ पर रेड है, ठीक है, बिल्कुल उल्टा है। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है बुलिश, मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये यहाँ पर ऊपर का संकेत है, क्योंकि ऊपर ये वाली ज्यादा निकली है ना। अब इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे ज्यादा निकली है, ठीक है। अब दोस्तों हमें इसका एक एग्जाम्पल भी समझते हैं, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, रिवाइज करके देखेंगे, ठीक है, तो आपकी और ज़्यादा क्लियर होने वाली है। तो देखिए बेयर इंगल्फिंग, यहाँ पर ये इस तरीके से कैंडल बना है, ठीक है, इसके बाद डाउन ट्रेंड आया और मार्केट कितना यहाँ पर डाउन गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये है। अब इसके बाद हम दूसरा कैंडल देखते हैं। दूसरा कैंडल है दोस्तों ये बुलिश हरामी और बेयर हरामी। तो बुलिश हरामी दोस्तों इस तरीके से बनेगा। तो हरामी का मतलब ये यहाँ पर गाली नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर जापानी शब्द है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि कोई महिला है, ठीक है, शायद इसका मैंने प्रिंट निकाला था, वन मिनट। तो दोस्तों हाँ ए रहा। अब दोस्तों ये देखिए, तो ये बुलिश हरामी है, ठीक है। तो बुलिश हरामी दोस्तों इस तरीके से कैंडल बनता है। ये देखिए ऐसे बनेगा, जैसे मान लीजिए ये कोई महिला है और उसके पेट में ये बच्चा है, मतलब कि ये मदर और ये इसका सन, ये मदर ये इसका सन। तो ये इस तरीके से कैंडल बनेगा, ये बिल्कुल बीचों बीच में होगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ना कि ये पेट बिल्कुल बीचों बीच में, ये इस तरीके से होगा। तो इसका मतलब दोस्तों बुलिश हरामी है ना, तो इसका मतलब ये कि मार्केट में अप ट्रेंड आने वाला है, ठीक है। तो अभी हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि ये बुलिश हरामी कहाँ पर बना है। तो दोस्तों आप ये एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकती हैं, ये लगभग लगभग उसी के जैसा है, बस ये थोड़ा सा नीचे बना है, तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर हो सकता है, लेकिन कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर गया है। तो दोस्तों इन दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है, सिर्फ कलर का अंतर है। ये वाला रेड कैंडल है, मतलब कि डाउन ट्रेंड आने के बाद फिर ये कैंडल बना है, ठीक है, ग्रीन वाला, और ये यहाँ पर मदर और सन की तरह दिख रहा है, तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, ये वाला अगर ग्रीन है तो। अब ये यहाँ पर देखिए मार्केट अप जा रहा था, लेकिन ये मदर ये सन बन गया, और ये सन यहाँ पर रेड है, ठीक है, तो मार्केट क्या है, डाउन जाएगा, ठीक है। अगर सन ग्रीन है तो मार्केट अप जाएगा, सन रेड है तो मार्केट डाउन जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये एग्जांपल रहा, ये देखिए ये यहाँ पर ये बना है, फिर इसके बाद ये मार्केट डाउन ट्रेंड में गया है। अब दोस्तों इसमें एक आपको अंतर और समझना है, जैसे कि ये यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल है ना, तो देखिए मार्केट डाउन गया है ना, तो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, तो नीचे से बनना ही तो स्टार्ट होगा, तो ये नीचे से बना है। अब इसी तरीके से मार्केट के अप जा रहा था, तो ये वाला जो है ना कैंडल, तो ये ऊपर बना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये भी देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। ये दोस्तों यहाँ पर एक जैसी कुछ चीज़ें लगती हैं, तो ये आपको थोड़ा सा डीपली समझनी है, ठीक है, ये कौन सी है। तो दोस्तों अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, और अब हम रिवीजन में सबसे पहले देख रहे हैं कैंडल। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि ये कैंडल का बॉडी है, ये अपर शैडो है और ये लोअर शैडो है। इसके बाद हमने देखा था कि ये हमारा कैंडल कुछ इस तरीके से होता है, एक ग्रीन कैंडल होता है और एक रेड कैंडल होता है। ग्रीन कैंडल जब मार्केट ऊपर जाता है उस टाइम पर बनता है, तो इसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। और बुलिश का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, और बेयर का मतलब होता है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में, या फिर ये जो रेड कैंडल बनता है इसका मतलब ये कि मार्केट यहाँ पर डाउन गया है, तब ये कैंडल रेड बना है। ग्रीन कैंडल यहाँ पर ओपन होता है और रेड कैंडल नीचे जाके क्लोज होता है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हैमर के बारे में हमने बात की, तो हैमर का मतलब ये कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से है, और हमें यहाँ पर एंट्री लेनी होती है, इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो हमें एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर रखना है। जितने भी मैंने आपको कैंडल के बारे में बताया है, तो सही पर यही रूल होता है कि जिस कैंडल को देखकर आप एंट्री ले रहे हैं, तो उसके ऊपर जो ग्रीन कैंडल बन रहा है आपको वहाँ पर एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस आपको जिस कैंडल को आप देख रहे हैं उसका शेडो का जो नीचे का हिस्सा है आपको वहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। इसके बाद दोस्तों फिर हमने जाना था रेजिस्टेंस के बारे में और सपोर्ट के बारे में, ठीक है, कि रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट क्या होता है। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि आखिर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है, और ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके डाउन आता है। इसके बाद दोस्तों फिर हमने जाना था कि हैमर का उल्टा होता है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर का भी मतलब यही है कि मार्केट यहाँ से अभी अप जाएगा, मतलब कि इसका संकेत भी दोस्तों बुलिश होता है, ठीक है। तो दोस्तों मॉर्निंग स्टार का मतलब भी यही है कि अगर ये मॉर्निंग स्टार ग्रीन कैंडल है, इसके बाद फिर भी ग्रीन बना है, ठीक है, ये बड़ा होता है थोड़ा रेड, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैंने ये आपके एग्जांपल के थ्रू बताए थे,
तो इस ऐसे बनता है, तो इस चीज़ को मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। और इसका भी मतलब ये कि मार्केट अभी बुल है या फिर मार्केट अभी ऊपर जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था इवनिंग स्टार, ठीक है, तो ये मॉर्निंग स्टार है, इसका बिल्कुल उल्टा है इवनिंग स्टार, ठीक है, तो इसका ही मतलब ये है कि मार्केट अभी डाउन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आता है शूटिंग स्टार, तो शूटिंग स्टार का मतलब ये कि मार्केट अभी डाउन जाएगा, तो ये उल्टा है हमारे, ठीक उसी के जैसा बनता है। लेकिन दोस्तों अगर ये रेजिस्टेंस वाली एरिया पर बनता है, ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि ये शूटिंग स्टार है, और इसका मतलब ये है कि अगर ये रेजिस्टेंस पर बना है तो वहाँ से मार्केट अभी डाउन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं, हमने ये देखा था बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके से बनता है। आप देख सकते हैं कि इसका ये ऊपर हिस्सा जाना जाता है, ये बराबर में हो सकता है या फिर थोड़ा सा डाउन हो सकता है। फिर इसके बाद हमने देखा था बुलिश इंगल्फिंग का बिल्कुल उल्टा होता है बेयरिश इंगल्फिंग, ठीक है, ये अभी मैंने आपको समझाया था। अब इसके बाद दोस्तों फिर हमने देखा था बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी, तो इसमें हमने समझा था कि एक महिला होती है, ठीक है, या फिर मदर होती है और उसका सन होता है, अगर सन यहाँ पर रेड है तो बेयरिश है, अगर सन यहाँ पर ग्रीन है तो बुलिश है, तो दोस्तों ये चीज़ हमने समझी है। तो दोस्तों एज अ बिगिनर अभी मैंने आपको जो चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं वो आपके लिए काफ़ी है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि मैंने कम बताया है, लेकिन जितना ही बताया है वो आपके सर के ऊपर से निकल गया, ऐसा शायद अभी आप महसूस नहीं कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरीके से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे।